स्पिरिचुअल नंबर्स के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था, देखिए एक वेबसाइट है जिसका ये आईडी है www.geocities.com/suraj_engineers। इस वेबसाइट पर आपको काफी सारी फाइलें मिलेंगी, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर अस्सी, इसी पर आपको मिलेगी आगे लिंक में अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स की। इसके अंदर एक बुक हमने बुक कवर दिखाया है जो एक बुक लिखी गई थी, और इसमें कुछ फाइलें लिंक में हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसमें है इंट्रोडक्शन की फाइल, नंबर डाटा टेम्पलेट है, हाउ मेनी डेज ओल्ड यू आर है, और भी अंदर कुछ फाइलें हैं। आप जब देखेंगे इस साइट पर जाएंगे तो आपको काफ़ी फाइलें मिलेंगी। इसमें काफ़ी मटेरियल दिया गया है और आप इस फाइल को डाउनलोड खासतौर से नंबर डाटा की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल किया जा सकता है, वही फाइल जो हमने पहले आपको बताई थी। देखिए फिर एक बार ले लीजिए www.geocities.com/suraj_engineers। ये काफी डिस्क्रिप्टिव साइट है, 2003 में बनाई गई थी। ये बहुत कुछ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन हैं, इंट्रोडक्शन हैं नंबर्स के बारे में जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे। ये काफी मेहनत करने के बाद बनाया गया है और ये काफी यूजफुल है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि नंबर 3 से 143 तक होते हैं, और इसके अलावा जो नंबर डेटा आपके मिलेगा उसके अंदर आपको बहुत रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आपको करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये नंबर वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, लक के ऊपर नहीं। आपको पका पका अपने आप नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये काफी साल के रिसर्च के बाद नंबर्स आए हैं, मिले हैं, नेचर ने दिए हैं। बहुत आसान है समझने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था डेट प्लस मंथ प्लस ईयर अगर आप करेंगे तो आपको आपका स्पिरिचुअल नंबर मिल जाएगा। ये स्पिरिचुअल नंबर अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर से अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई भी नंबर लीजिए। देखिए जैसे भारत का संविधान है उसका 1950 में शुरुआत हुआ, 50 वहां पर आता है, कंट्रोल देता है, जनवरी में स्टार्ट हुआ, लीड देता है, अभी तक चल रहा है, कोई खास प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। ऐसे अगर आपका मकान का नंबर है आप वो भी देख सकते हैं, आपकी किसी गाड़ी का नंबर है वो भी देख सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आप चाहते हैं आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। ये नहीं कह रहा कि उससे आपको गारंटी मिल जाएगी, लेकिन हाँ एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का ये नंबर होगा। ये मिलना कोई कम नहीं होता है। अगर देख लीजिए कोई आप धर्म की बात कीजिए, अगर किसी का नंबर है 1 जनवरी 1950, 1+1+50 52 हो गया, 52 नंबर के चार्ट में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, या ये डेट ऑफ बर्थ से आप डालेंगे चार्ट को तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। उसमें चार कॉलम बने हुए हैं, उसमें आप जाइए, पहला कॉलम चेक करने वाला है, बाकी कॉलम उसकी इंडिकेशन देंगे। एक टाइम को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, उसमें आपको मिल जाएगा कि क्या इसकी इंडिकेशन है। फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अब वैसे तो 0 to 9 हमने कहा है, मतलब 10 है, लेकिन 11, 12, 13 आगे सारे चलते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे कि 35 नंबर है, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 3 का मतलब मेकिंग है और ब्रेकिंग है, 5 का नंबर मैजिक कंट्रोल और एक्सपेक्टेड वगैरह वगैरह, 6 नंबर कहीं पर आता है 666, जैसे कि बाइबल में कहा गया बड़ा डेंजरस नंबर है, डेंजरस इस हिसाब से कि 6 6 6 3 बार आ गए। 6 नंबर टेंशन का भी है, टेंशन 3 बार हो सकती है, 6 नंबर डिसीशन का भी है, आपके डिसीशन फेवर में और अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जजमेंट, इसके अलावा प्रोसेस का भी है, कर्म का भी है, कर्म बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कोई आदमी 6 नंबर में वो बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है, ज़्यादा काम होंगे। ऐसे ही 9 नंबर है, बहुत मेहनत कराएगा, स्ट्रगल भी कराएगा, गुस्सा भी दिलाएगा। ऐसे 8 नंबर जो सिस्टम में आता है, बिजली जैसे है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, 8 नंबर में आती है, दिखती नहीं है, कंप्यूटर ही देख लीजिए आप 8 मिनट से चलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, 2 नंबर मटेरियल का होता है जो जान नहीं होती है मटेरियल में, 1 नंबर अधिकार का अथॉरिटी का होता है, उसमें आप एंटर कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे ही 4 नंबर है, मान लीजिए 4 बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे द्रव का नंबर है, बहता है, सॉल्यूशन भी देता है, डिजॉल्व भी होता है। तो बेसिक नंबर तो 1 2 3 है, उसके आगे 4 5 6 7 8 9 अलग चीज़ें हैं। 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको मालूम नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। 7 नंबर बहुत ढीला भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन उससे रिजल्ट आते हैं।
हिसाब से 9 नंबर मैंने आपको बताया। आगे आप ऐसे ही बताते जाइए, 100 मान लीजिए हम देते 212, 2 नंबर मैट्रिक का, 1 नंबर लीड का है, 2 नंबर मैट्रिक का है, और आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का आंसर जानने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जोड़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप, जैसे मैंने आपको 7885 नंबर बताया था, आप उसको मेमोराइज करेंगे बिना भूले, तो आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी। एक बार नहीं, हजारों बार मेमोराइज कीजिए, कई बार कीजिए, कोई टाइम फैक्टर उसमें नहीं है। 7885 अपने माइंड में भूले जाइए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और तो देखिए आपके जितने बैड एलिमेंट्स हैं माइंड से निकल जाएंगे, जब करके देखेंगे तो तर्क जाएगा आपको। और इसके एक हमने वैसे बुक लिखी है, इसमें भी आप देखेंगे आपको बहुत नॉलेज होगी इसकी, इसकी वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इस वीडियो में तो मैं सारा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि स्पीड से नंबर से आपकी स्पीड कैसे मूव करती है, स्पीड का ही बताते हैं, और आपकी स्पीड से आप फायदा उठा सकते हैं। ये बॉडी के नंबर नहीं है, ये तंत्र वाले नंबर नहीं है, ये माइंड का तंत्र आपके अंदर बता देंगे, और आप उसको यूज कर सकते हैं, ये आपको पूरा कंट्रोल देंगे। और आप तो सब जाना जाएंगे, पैसा आएगा नहीं आएगा, आपको ये आपके नंबर के चार्ट से आपको बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि इसमें हमने सुपर सम का कॉलम डाला हुआ है। सुपर सम में आप देखेंगे, जब भी आपका मेजर नंबर 2 स्टार्ट होता है, वो कोई हर आदमी की लाइफ में आता है कहीं ना कहीं, वो कुछ साल ऐसे होते हैं जिससे आप 2 नंबर के बीच में आएंगे, मीन्स आपका मेटेलाइज होते लाइफ। पहला आपका सीक्वेंस 1 का आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, इस तरह से 1 2 3 के तक चलते जाएंगे। और 1 में जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, लीड होगी, एजुकेशन भी हो सकती है, 2 नंबर में आप मेटलाइज करेंगे, 3 नंबर में मेकिंग अप करेंगे, 4 नंबर में आप चलेंगे आगे, 5 नंबर में कंट्रोल होगा, 6 नंबर में प्रोसेस होगा, डिसीजन होंगे, 7 नंबर में फिर आपकी रिजल्ट आएंगे, 8 नंबर में एक सिस्टम बन जाएगा, 9 नंबर में फायर हो जाएगा, और 0 पे 0 है। इसमें हमने 0 डायग्राम भी बनाए हुए हैं, 0 0 मैथमेटिकल 0 नहीं है, ये 0 स्पिरिचुअल 0 है। इस आपको एक बार समझ आ जाएंगे कि इनके मतलब क्या है, तो आप बड़े आराम से बिना किसी ज्योतिषी के पास जाने के, बिना किसी के पास जाने के, अपना लक को समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आने वाला टाइम आपको इंडिकेट कर देगा कि ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास लॉटरी निकल आएगी या आप कहेंगे जी मेरा बदल है, ये लक का मतलब है इंडिकेटिव लक। आप अपनी आत्मा को किस तरह चलाएं, किस तरह उसकी एनर्जी बढ़ाएं, ये सिर्फ इस बात का है। आत्मा का ट्रेनिंग, आत्मा की ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है आपकी, और अगर आप इसको ले सकते हैं तो अच्छी बात है। हम कोई धर्म की बात नहीं है, कोई मजहब की, किसी रिलीजन की बात नहीं है, रिलीजन नहीं है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिक्स है। ये हमने लिया है माता वैष्णो देवी के कैलेंडर से। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे, एक नीचे ट्राइंगल बना होता है शेयर के नीचे, उसमें कुछ नंबर लिखे हैं तीनों साइडों पर। अगर आप उन तीनों साइडों के नंबर का समाप्त करेंगे तो तीनों साइडों में 20 आएगा। वो 20 नंबर मेटेरियल का है, 20 नंबर 10 × 2 है, उसमें आप 3 साइड से मिला है 20। हमने फॉर्मूला बनाया 3 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, पहले रिमाइंडर वो आता है। तो इसीलिए हर साइड का हमने करके देखा है, कोई भी साइड है, कोई भी नंबर है, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो वही आपका उसी ट्रायंगल के हिसाब से फर्दर एक्सटेंशन होगी। वो कोड है, कोड को रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही मैं कह सकता हूँ इस वीडियो में, बाकी बाद में बताएंगे ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच।